जी, आज हम लोग देखेंगे साइंस का सेट नंबर वन देखेंगे। और ये सेट नंबर वन जो आया है जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा, जो बोर्ड एग्जाम द्वारा आपका जारी किया गया है, उसका हम लोग देखेंगे सेट नंबर वन का, ये साइंस का क्वेश्चन वन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये विज्ञान आपका, विज्ञान का देखेंगे, कक्षा 10th का है, ये कक्षा 10th का सेट वन है। और जो टोटल नंबर पूर्णांक है आपका, तो ये 40 का है, 40 नंबर का है। और जो आपको टाइम देना है इसमें, डायरेक्शन जो आपका है टाइम, सो आपका इसमें टाइम हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी से देखेंगे। तो बच्चों, आप इस चैनल को अगर देख रहे हैं, अगर आप न्यू हैं, तो बच्चों आपसे कहना चाहते हैं कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस भी कर दें, क्योंकि उससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि जब भी इस पे अपडेट दिया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको एक विश्वासी चैनल है, रंजीत क्लासेस, तो आप लोग सब्सक्राइब किए बिना ही आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है। आपको एक एक डाउट इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे, पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट हो जाएगा कि हम, ये अब एग्जाम बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को जवाब आसानी से दे पाइएगा। जी, चलते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका, पढ़ लेते हैं हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे कि ये सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। कुल कितना प्रश्न है, तो 40 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न कितना का है, तो 1 अंक का है प्रत्येक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न में कितना विकल्प है, तो आपका 4 विकल्प दिया हुआ है, 4 विकल्प दिया हुआ है। गलत गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटेगा नहीं, मतलब गलत अगर आंसर देते हैं तो आपका अंक कोई कटता नहीं है। जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। तब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बताया है कि बच्चों, कोई भी काम करते हैं आप, तो पहले आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा, उसके बाद ही सफलता आपको हाथ लगेगी। देखते हैं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसका आंसर जो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाया जाता है बच्चों, अवतल दर्पण का यूज करके बनाया जाता है, मतलब हम लोग अवतल दर्पण देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी का एवं वक्रता का त्रिज्या किस बीच संबंध है, तो इसका जो बीच का संबंध है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि f/r/2, f/r/2, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा b। प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिकी राशि का अपरिवर्तित करती है, जिसको जो अपरिवर्तित करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, आवृत्ति। अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो अवतल दर्पण के बाद किरण जो गुजरती है, आपका फोकस से गुजरती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, एफ। किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु को बराबर आकार या सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा या समतल होगा, इसका जो ऑप्शन इसका हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी, ये समतल होगा, समतल। हम लोग अधिकतर फेस जो देखते हैं, बाल झाड़ते हैं, और कुछ करते हैं, समतल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लोग बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आप जानते होंगे बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है आपका, दो नियम है। कितना नियम है, दो नियम है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसके फोकस दूरी क्या होगा। जी बच्चों, मैं बता दूं कि त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर दिया हो, तो उसका फोकस दूरी जो आपका होगा, जो आप इसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, यानी सोल्यूशन कर सकते हैं, उसके बाद आपका आंसर परफेक्ट आएगा, लेकिन मैं बता दूँ कि इसका आंसर जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 1 मीटर जो फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है उसके कैपी क्षमता, यानी कैपेसिटी, अंग्रेजी में कैपेसिटी बोलते हैं, तो इसका क्या होगा, तो इसका जो होगा इसका जो कैपेसिटी होगा आपका होगा 1 डायोप्टर। क्या होगा, 1 डायोप्टर। जी, 1 डायोप्टर हो जाएगा। जी, 1 डायोप्टर होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकाश किसी क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो जो हमेशा होती है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग का न्यूनतम होता है, प्रकाश जी बता रहे थे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, तो ये निर्मात में होगा, जल में होगा, वायु में होगा, कांच में होगा, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये जल में होगा। 4 डायोप्टर यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतार लेंस की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, इसका जो आपका हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो आपका है, किसी उत्तल लेंस का फोकस फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका, सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका डी, यानी 2 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये आपका कांच का वेग सर्वाधिक होगा, कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, सो ये 13 का आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी निर्वात में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन सा उसमें छेपी है, तो श्वसन,
श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या संवहन। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा श्वसन, श्वसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो डाली जाती है सो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। ये जंग लगने का जो अभिक्रिया है सो आपका हो जाएगा संयोजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देखेंगे, क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा जी। तो आप चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जितना से जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जितने लोग आपके कॉन्टैक्ट में सभी लोग के पास शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोग इससे फ़ायदा हो जाएगा जी। इसमें बताता है कि दिए गए अभिक्रिया के किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो इसका जो अपचयन हो रहा है आपका क्वेश्चन दिया हुआ ऊपर में, इसकी इक्वेशन है, इसको संतुलन करना है और बताना है। इसका जो अपचयन जो आपका हो रहा है सो ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि कार्बन का जो है अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिए गए रासायनिक समीकरण का सम्मिलित कीजिए, तो रासायनिक समीकरण का सम्मिलित करना है उसके बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि कौन आपका ये सम्मिलित है सो इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये जो आपका है इसे सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन हो रहे हैं, उसमें क्षेपी अभिक्रिया हो रही है, वियोजन हो रहा है या विस्थापन हो रहा है? तो इसका जो अभिक्रिया हो रही है आपका से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि विस्थापन हो रही है। क्या हो रही है? विस्थापन हो रही है। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, यानी कि हल्दी, लिटमस, चाइना रोज या प्याज? तो इसका जो आपका करेगी सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि प्याज जो है जो ये गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो इसका जो लवण का जो प्रयोग करता है डॉक्टर सो ये करता है कैल्शियम का, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि CaSO4 1/2 H2O इसका यूज़ करता है। विरंजक चूर्ण के सूत्र क्या होता है? तो जैसे आपका क्वेश्चन पूछता है, चार ऑप्शन दिया हुआ आपका, विरंजक चूर्ण के सूत्र क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा CaCO3 इसका ऑप्शन होता है, सूत्र होता है CaCO3 जी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि इनमें से इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? ऑप्शन आपका ऑप्शन दे दिया है, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन या विस्थापन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें से आपका बी हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो आपका अम्ल पाया जाता है, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें क्या ये पाया जाता है। तो पहला जो आपका आंसर ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा जो है साइट्रिक अम्ल, और तीसरा लैक्टिक अम्ल, और चौथा जो है ऑक्जैलिक अम्ल। तो ये चौथा जो ऑप्शन है इस कैरेक्टर ऑक्जैलिक अम्ल ही पाया जाता है टमाटर में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तनुकरण प्रक्रिया कैसे होती है? तो तनुकरण प्रक्रिया जो होती है हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता वृद्धि, या फिर आपका अगर देखिए तो एच प्लस की सांद्रता वृद्धि, OH की सांद्रता वृद्धि, या फिर इसका। तो ऑप्शन नंबर चार दिया हुआ है आपका, तो इसमें देखना है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, इस तरह से हम लोग देखेंगे और बारीकी से उसके बाद टिक मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी नंबर आपका सही है जी, कमीकरण होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय व्यंजन का उदाहरण है? देखिए नीचे उदाहरण दिया हुआ है, इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है सभी इसका क्वेश्चन नंबर में, अब इसमें हमको बताना है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा से हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो मुंह से, केंद्रक से, कूटपात से, या फिर खाद्य रिक्तिका से? तो अमीबा जो ग्रहण करता है, अमीबा जो ग्रहण करता है वो कूटपात से ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पाचन प्रक्रिया में बसा का एमिलिसीकरण कौन करता है? तो बसा का जो एमिलिसीकरण करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इसमें से चार ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी है, क्योंकि ये पित्त से एमिलिसीकरण करता है, पित्त से। निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण जो होता है इसमें से सो आपका जो होता है सो ऑप्शन नंबर डी, ये भी आम में जो होता है स्वपोषी पोषण होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो याद रखिएगा, मानव हृदय के जो कोष्ठक होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो आपको जानकारी होगा कि दो गो बायां अलिंद होता है और दो गो दायां अलिंद होता है। तो दो और दो कितना होता है? तो चार होता है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि चार ही कोष्ठक होता है मनुष्य में, ये चार, बायां अलिंद और दायां अलिंद। नेक्स्ट श्वसन, श्वसन वर्ण किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल की, हेमोग्लोबिन का, या श्वेत रक्त श्वेत कणिकाएं का, या प्लेटलेट्स का? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये जो है इसे हर एक इंसान को इससे झेलना पड़ता है। तो इसके बारे में बारीकी से बताऊंगा, लेकिन पहले आंसर बता दूँ कि श्वसन वर्ण किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्ण जो होता है सबको ऑप्शन नंबर ए है, क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र के क्रियात्मक इकाएँ क्या है? तो क्रियात्मक इकाएँ जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृक्क कणों में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब ये क्वेश्चन का सिलसिला चलते रहेगा, लेकिन अब लोग लास्ट पायदान पे आ गए हैं चैट नंबर 1 का। तो आप इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक विश्वासी चैनल है, आपका समय समय पर अपडेट देते रहेगा। ब्रिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूत्र का बनना, अपवहन, या विसरण, या पुनर्अवशोषण? इसका जो बनेगा से आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका 33 का, मतलब 33 का बी, अपवहन कहलाता है। जनन के मूल घटना क्या है? युग्मक का बनना, युग्मज का बनना, या डीएनए के प्रतिकृति बनना, या भ्रूण का बनना? इसका जो आपका ऑप्शन होम नंबर हो जाएगा सो आपका सी हो जाएगा, डीएनए की प्रतिकृति बनना। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे, चित्र दिया गया, चित्र किस प्रकार के जनन का दर्शाता है? तो इसमें दिया गया है चार ऑप्शन है, बताता है कि ये आपका बहुखंडन है, मुकुलन है, विखंडन है, या
पुनरुत भवन है। तो इसमें से चार ऑप्शन में से आपको एक को चूज करना है, आपका आंसर देना है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बहुखंडन इसमें है। नर युग में तथा मादा युग में के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग में मादा युग के संलयन को जो कहते हैं, सो मैं बता दूँ अभी कि इसका कहते हैं निषेचन। नर युग और मादा युग में के संलयन जो होता है उसको हम लोग नर निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? मतलब लड़का लोग जब होता है ये क्या यौवन अवस्था में होता है तो उसमें कौन सा हार्मोन ये नियंत्रण करता है? तो टेस्टोन, इंसुलिन या प्रोजेस्टेरोन या थायरोक्सिन। इसमें जो करता है इसे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये टेस्टोन करता है, ठीक है। और महिला में जो करता है तो प्रोजेस्टेरोन करता है, तो इसमें टेस्टोन होगा। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें बोलते हैं कि सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलोमीटर है या फिर 1.4, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? स्पष्ट चलिए, क्योंकि टाइम को बचाए हुए चलना है हम लोग को, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम समझता है उसी को टाइम जो टाइम समझता है उसको भी उसी का भला होता है, क्योंकि जो टाइम को नहीं समझेगा टाइम उसको क्यों समझेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक जो आपका है, आपका 39 का जो आंसर हो जाएगा, जैव गैस 39 का सबका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नहीं, ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मीथेन हो जाएगा। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया हुआ है, इसमें अभी जस्ट क्वेश्चन को हमने पढ़ा और इसको ऑप्शन में मैं बताने जा रहा हूँ। इसको ऑप्शन जो हो जाएगा सबका ये बी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सॉरी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा था आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस जी। तो ये सेट नंबर वन है, उसके बाद हम लोग सेट नंबर टू देखेंगे, टोटल 5 सेट है। तो हम प्रयास करेंगे कि एक दो दिन में कंप्लीट हो जाए पूरे के पूरे सेट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।